आगे मत बढ़ाओ, मगर अपने दूसरे से हाथ नहीं फैलाने को होना। बहुत सही अंकल, बहुत सही, अपना ये है। अच्छा 25 साल के बाद आया, क्या बोला आंटी फिर आके? क्या बोले? वही है, सेम स्वाद है। अरे क्या बात है। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है जी आपका स्वाद ऑफिशियल में। मैं इस समय मौजूद हूँ नागपुर में, और बड़े सारे लोगों ने मुझे टैग किया कि अगर आप नागपुर हैं तो एक बार कल्याण अंकल के पास जरूर जाइएगा। तो लीजिए, आपकी रिकमेंडेशन में मैं कल्याण अंकल के पास पहुँच चुका हूँ। ये देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये इसी तरीके से पिछले 40-50 साल से जो है वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये नड्डे कबाब बेचते हैं इमली के पानी के साथ, और उसके साथ बहुत सारी और कन्फेक्शनरीज की आइटम है। आँख से इनको दिखता नहीं है, दीदी हैं ये, भाभी हैं उनकी जो इनको हेल्प करती है। और आइए अंकल के पास चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या मिलता है अंकल के पास, और अंकल से थोड़ी सी गुफ्तगु करते हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस रहमत है उनकी, चलाने वाले की, आगे भी वही चलाते रहेगा हमको। क्या नाम है आपका अंकल? मेरा कल्याण दास आडवाणी। तो आपको दिखता नहीं है अंकल दोनों आंखों से? बस उसकी रहमत है। क्या बात है जी। तो ये देखिए जी, इनको दोनों आंख से नहीं दिखता है, और ये अपने अंदाजे से ही जो है वो काम करते हैं, क्योंकि इनको यहाँ बैठ बैठ के एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इनको पता है कि इन्होंने क्या सामान कहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए अंकल जो है वो आलू छीलते हैं, बॉयल्ड आलू यहाँ पर, और उसके बाद चाट बनाते हैं। कितनी उम्र है अंकल आपकी? उम्र भी तो हमारी 70 से ज़्यादा है। 70 साल प्लस हैं। क्या क्या मिलता है अंकल आपकी दुकान पे? आलू, आलू फिंगर है, और ये पैकेट है, और मुरमुरा है आलू जी। चलिए, तो चलिए अंकल फिर बना के दीजिए हमें आप आलू चाट। एक तो एक प्लेट कितने का देते हैं आप ये आलू मुरमुरे? अभी जो हम कोई 10 का लेते बताता हूँ ना, कोई 20 का लेते जी, ऐसे चलते है 10-20 का, 10-20 का लेते रहते हैं लोग। हाँ ठीक है अंकल, बना दीजिए हमारे लिए फिर एक प्लेट। बच्चे ज्यादा बच्चे आते हैं अपने पास। जी 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 जी। अंकल कितने साल से ये दुकान है आपकी यहाँ पे? मेरी दुकान तो कम से कम भी इसको 40 साल से ज्यादा। 40 साल हो गए। पहले हम शुरुआत में नीचे में बोरा बिछा के बैठते थे कि आलू क्या भाव मिलते थे, 4 आने किलो। जी जी जी, हम उसी टाइम से चालू किया। क्या बात है। हमको ये कौन सा चटनी अंकल? इमली की चटनी है। हाँ। और इसी मटके में ही आप हमें बनाते हैं शुरू से? क्या बात है। पहले जितना मुनाफा था जी, अभी मुनाफा नहीं है, अभी लागत है जी। मतलब आप रोजाना मतलब कितने का सामान बेच लेते हैं? 50 की समझो, कभी यानी 100 की होती है, यानी इससे करीब होती है, ज्यादा नहीं होती है। अभी रोजाना आप सिर्फ 100 रुपए की बिक्री कर पाते हैं बस? 100 की हो जाती, कभी कम भी हो जाती, फिर भी मैं बोलता हूँ अपने दो पैसा आप दूसरे से हाथ फैलाने से अच्छी है। बहुत ही बढ़िया अंकल, यही चीज चाहिए कि किसी और के आगे हाथ फैलाने से बढ़िया ये है कि अपना काम करिए, मेहनत करिए, और ऊपर वाला जरूर आप में बरकत डालता है अंकल। देर से वे डालता है लेकिन डालता जरूर है अंकल। आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, आपको मालूम है, बहुत बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो आप। बहुत सारे लोग आपसे सीखते हैं और सीखेंगे आगे जाके भी। तो ये देखिए जी, ये है नड्डे कबाब का मसाला, जो अंकल ने पहले आलू तैयार किया, उसके बाद ये जो नड्डे लिए, इसके अंदर अब अंकल जो है वो आलू फिल करते हैं, और उसके बाद ये जो चटनी यहाँ पे रखी हुई है इमली की, इसमें डिप करके खाने का है। हाँ। इसमें डिप करके आपको खाना होता है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ये आलू भरते जा रहे हैं, और यहाँ पे ये रखते हैं, आपको एक पीस ऐसे उठाना है, इसमें इस तरीके से डिप करना है, और उसके बाद आपको पूरा डिप कर दो। अच्छा, और स्पून से उठाना है। तो भाई पूरा इस तरीके से गीला करिए, और इसको इस तरीके से स्पून से उठाइए, और उसके बाद खाइए। वाह। तो भाई जो सारा कमाल है ना, वो इस इमली के पानी का है जो यहाँ पे अंकल ने रखा है, बहुत ही स्वादिष्ट है अंकल, बहुत स्वाद है। तो आप यहाँ आते रहते हैं रेगुलरली? मैं बचपन में बहुत आता था। हाँ। मतलब तो बहुत कम दुकानें थी ना, तो यही आता था। मेरे को अभी भी याद है कि वो कप रहता है, ये कप में वो हैंडल भी नहीं रहता था तब से, जब पहले भी आरपी आया था, और उससे ही मिलता था। नहीं अंकल थैंक यू, थोड़ा हाथ आगे बढ़ाइए। हाँ। हाथ आगे बढ़ाइए, मिलाइए इधर मेरे से हाथ। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही काम करते रहो, ऐसे ही मेहनत करते रहो, और मेरे और मेरा साथ आपके साथ हमेशा है। ठीक है, रहमत रहमत। और स्माइल करके दिखाओ, आपकी स्माइल बहुत ही प्यारी है।